एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 आपने इसकी तज़ी करनी है 144 ए स्क्वायर जमा 24 ए जमा 1। 144 का जो स्क्वायर बनता है ना वो 12 बनता है, यानी 12 का अगर स्क्वायर लें तो 144 बनता है ना, तो 12 ए का ये बन जाएगा स्क्वायर। उसके बाद आपने बी ढूंढना है, ये आप अगर ए स्क्वायर मान लें तो अगर ये 1 इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो फार्मूले के हिसाब से आता है 2 ए और बी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी। ए क्या है आपके पास 12 ए, ठीक है, और बी आपके पास क्या है 1, यानी इसका फार्मूला बन जाएगा 12 ए जमा 1 का मुरब्बा। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इसकी भी आपने तज़ी करनी है, तो इसे आप लिख सकते हैं ए बटा बी का एस स्क्वायर, ठीक है, ये बी है आपका, ये अगर आप ऐसे लिख लें बी बटा ए का स्क्वायर, तो फार्मूले के हिसाब से आपको चाहिए माइनस 2 ए और बी। ए आपका क्या है ए बटा बी, बी आपके पास क्या है बी बटा ए, यहाँ से अगर ये बी भी कैंसिल हो जाए ए कैंसिल हो जाए पीछे क्या बच जाएगा ये 2, यहाँ से ये रकम बन जाएगी, यानी ये फार्मूला बन रहा है ए बटा बी माइनस बी बटा ए का स्क्वायर। अलामत जो इस 2 के साथ होती है ना वो आपने लगानी होती है। समझ आ गई। पार्ट नंबर 3 में आपने वही अगेन दोबारा तर्जी करनी है, इसे अगर मैं ए स्क्वायर मान लूँ और ये 49 जो जेड स्क्वायर है इसे मैं लिख लूँ 7 जेड का स्क्वायर, तो अगर मैं इसे बी स्क्वायर मान लूँ ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर, तो फार्मूले के हिसाब से माइनस 2 ए और बी आना चाहिए, तो ए आपका क्या है एक्स प्लस वाई। ये स्क्वायर नहीं लगाना आपने, ये नीचे वाला लगाना है, इसी तरह स्क्वायर के नीचे ये 7 जेड है, 7 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना बन जाएगा 7 जेड, 7 को 2 से ये 14 हो जाएगा, 14 के साथ ये जेड आ जाएगा, यानी ये फार्मूला बन जाता है ए माइनस बी का, ए आपके पास एक्स जमा वाई है और बी आपके पास क्या है 7 जेड, और अलामत जो है इस 2 के साथ होती है। समझ आ गई। इसके आपने अगेन दोबारा तर्जी करनी है, नहीं पार्ट नंबर 4 है आपका, लेकिन आप यहाँ पर देखें 12 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, 27 भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। 12 को अगर 3 में तकसीम करो तो ये 3 4 12 हो जाता है ना, ये भी 3 में तकसीम हो जाता है और ये रकम भी 3 में, यानी आपने 3 इसमें से ले लेना कॉमन, 3 4 12 और ये 3 एकम 3 3 2 6 और एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और 3 9 कितने होते हैं 27। इसके बाद ये ऐसे ही मैंने अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2x का यूँ ऐसे मुरब्बा, और 9 का मैं लिख सकता हूँ 3 का ऐसे मुरब्बा, ये ए स्क्वायर मान लूँ और ये बी स्क्वायर मान लूँ, तो फार्मूले के हिसाब से 2 ए भी आना चाहिए, बस ए आपके पास क्या है 2x, बी आपके पास क्या है 3, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना बन जाएगा इसका स्क्वायर कर लो तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो तो ये, तो यानी आपका ये फार्मूला बन गया है 2x, ये अलामत माइनस वाली और ये 3 और इसका, इसकी भी आपने तर्जी करनी है, लेकिन आप इस सवाल में देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 रकमें हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपके पास 3 थी, तो यानी आप इसका फार्मूला वो नहीं बनेगा, कोई और बनना है, ठीक है, तो इन दोनों में से आप ना 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लें, 3 को 3 पे तकसीम किया 1 आता है, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 25 को 3 पे सॉरी 75 को 3 पे तकसीम करें 3 2 6 एक बच जाएगा, 1 और 5 15 3 5 15 और ये वाई स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, ये 3 ऐसे ही। अगर इसे मैं यूँ ऐसे लिख लूँ और 25 को मैं 5 वाई का यूँ ऐसे मुरब्बा लिख सकता हूँ, इसको खोलेंगे तो 25 वाई का हो जाएगा बने, तो आपके पास एक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आपका जो ए है वो एक्स है और बी आपका क्या है 5 वाई, आपने इसे एक दफ़ा क्या कर लेना है जमा में लिख लेना और एक दफ़ा क्या कर लेना है माइनस में लिख, इसकी भी आपने तर्जी करनी है सेम लाइक क्वेश्चन इसका पार्ट 1 जैसे हमने की है, तो यहाँ पर देखें यह 3 कॉमन आ रहा है, एक्स का भी स्क्वायर नहीं बनता, तो इसमें से कॉमन आएगा 3x, जब 3x सारा ही चला गया है तो इसकी जगह पे क्या बच जाना है x की 3 से 1x निकल गया, बाकी कितने बच गए हैं 2x बच गए। समझ आ गई।
ये 3x ऐसे ही आ गया। अच्छा अगर मैं एक के ऊपर दो लगा दूँ दोबारा फिर एक ही बचता है, और 81 जो है वो 9 का मुरबा बनता है कि नहीं? बनता है ना। तो ये फार्मूला कौन सा बन गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, यानी दो मुरबों के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो उसे आपने एक दफ़ा जमा लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। तो यही आपका क्या बन जाना, पार्ट नंबर 3 में आपने करना है। अगेन वही फार्मूला बन जाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ 128 जो है ना ये मुरबा नहीं बनता, ये ए बी मुरबा नहीं बन रहा, ये एम स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन ये नहीं बनता। तो यहाँ से आई थिंक दो ए कॉमन आ रहा है, ए इधर भी है इधर भी है, तो दो ए कॉमन लेते हैं हमसे। 28 को अब 128 को दो भी तकसीम करें, 2 6 12 और 2 4 8, ए तो 5 चला गया, साथ में क्या बच जाएगा एम स्क्वायर। इसे 2 1 2 2 2 4 2 1, ये ए बाहर चला गया तो क्या बच गया एन स्क्वायर, ये 2 ऐसे ही आ गया। 64 को आप लिख सकते हैं एस, बंद करो।